हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा एक लौकी की सब्ज़ी। आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी की कोफ्ता करी। चलिए देखते हैं हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसे बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ के ऑनियन को पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद यह अराउंड 5 to 6 टेबल स्पून है। यहाँ पे जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट बना लिया है। पेस्ट करने के बाद ये यहाँ पे 4 टेबलस्पून है। मैंने यहाँ पे एक टमाटर को पेस्ट कर लिया है। आप कैन वाला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने योगर्ट ले लिया है। मैंने दही को अच्छे से फेंट के रखा है। मैंने 1/2 कप लिया है। यहाँ पे 1 कप रिफाइन ऑयल ले लिया है। इस कुकिंग में मैं रिफाइन ऑयल का ही इस्तेमाल करूँगी और इस कुकिंग में मुझे ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करना है, इसलिए मैंने 1 कप लिया है। यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन ले लिया है। बेसन को मैंने अच्छे से भून के रखा है, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। हमें कच्चे बेसन का यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ले लिया है। आप चाहते तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। गरम मसाला लिया है मैंने 1 टेबलस्पून। अब मैं यहाँ पे ड्राई मसालों का एक पेस्ट बना लूँगी। मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर ले लिया है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे 1.5 टीस्पून ज़ीरा पाउडर भी ले लूँगी। और उसके साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। आप कोई भी रेड चिली यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मैं यहाँ पे हल्दी भी ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड किया है। आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और इसे मैं थोड़ा पानी के साथ अभी घोल के एक पेस्ट बना लूँगी। अब देख सकते हैं मैं इसे अच्छे से मिला रही हूँ। हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। देख सकते हैं कंसिस्टेंसी इसका। मैं ऐसे ही पेस्ट बना के रेडी कर लूँगी। मैंने यहाँ पे हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स ले लिया है। मैंने यहाँ पे 600 ग्राम का एक लौकी को अच्छे से पील ऑफ करके धो के ग्रेट करके ले लिया है। लौकी को मैंने ग्रेट किया, थोड़ा टाइम हो गया था इसलिए ये काला पड़ गया है थोड़ा सा। अब मैं इसमें आगे का मसाला ऐड करके एक मिक्सचर तैयार करूँगी। मैं यहाँ पे बेसन ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने पूरा ऐड नहीं किया है, बाद में मैं धीरे धीरे जितना चाहिए उतना ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऐड किया है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ पे नमक भी ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेड चिली यूज़ कर रही हूँ, अराउंड 2 पिंच मैंने ऐड किया है। और उसके साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ। सारे मसालों के साथ लौकी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं इसे हाथ से ही मिक्स कर दूंगी ताकि अच्छे से एक बाइंडिंग हो जाए। बाद में अगर और बेसन चाहिए मैं और भी ऐड करूंगी। लौकी को मैंने अच्छे से स्क्वीज करके ले लिया था, इसलिए इसमें थोड़ा पानी कम है। आप भी ऐसे ही स्क्वीज करके ले लीजिए जितना हो सकता है। हमें लौकी का पानी नहीं चाहिए, जितना हो सकता है उतना हम फेंक देंगे। मुझे यहाँ पे और थोड़ा बेसन चाहिए, मैं बाकी का बेसन भी ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पे टोटल 1 कप यूज़ कर लिया है।
अब देख सकते हैं एक लंप जैसा बन गया है। मेरा मिक्सचर भी बन के रेडी हो चुका है। चलिए कोफ्ते बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है कोफ्ते फ्राई करने के लिए। अब मैं यहाँ पे ऑयल ऐड कर दूँगी। मैं पूरा ही ऑयल यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ऑयल को मैं अच्छे से गर्म होने के लिए रखूँगी। गैस को मैंने हाई फ्लेम पे ही रखा है। तेल मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं एक एक करके सारे कोफ्ते फ्राई कर दूँगी। अब देख सकते हैं मैंने ऐसे गोल शेप में बना लिया है और एक टाइम में जितना हो सकता है मैं उतना ऐड कर दूँगी यहाँ पे। कोफ्ते फ्राई करने के टाइम पे मैंने गैस को यहाँ पे मीडियम फ्लेम में ही रखा है, क्योंकि ज़्यादा फ्लेम में कोफ्ते हमारे जल जाएंगे और अंदर से नहीं पकेंगे अच्छे से, इसलिए गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। ऐसे ही मैं एक टाइम में जितना होता है सारे कोफ्ते यहाँ पे ऐड कर दूँगी। अब देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है, इसलिए मैं बहुत ही केयरफुली कर रही हूँ, नहीं तो कोफ्ते हमारे टूट सकते हैं। पकने के बाद भी ये अंदर से बहुत सॉफ्ट रहेंगे। मेरे एक टाइम के यहाँ पे 7 हो गए हैं। अच्छे से फ्राई कर लूँगी मैं। कोफ्ते हमारे ऐड करने के बाद मैंने इसको पलटा नहीं था। मैंने 1 से 1.5 मिनट तक एक साइड को अच्छे से फ्राई कर लिया है, गैस के फ्लेम को मीडियम फ्लेम में रख के। अब मैं केयरफुली एक एक करके इसको पलट रही हूँ। दूसरे साइड को भी हमें अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेना है। अब देख सकते हैं अभी भी काफ़ी सॉफ्ट है, इसलिए हमें केयरफुली करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं दूसरे साइड को भी 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। कोफ्ते को मैंने दूसरे साइड से भी ऐसे ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब देख सकते हैं दोनों तरफ से अच्छे से पक गए हैं। अब मैं एक एक करके ऑयल स्ट्रेन करके निकाल लूँगी और जितना कोफ्ता का मिक्सचर बाकी है बाकी का भी मैं ऐसे ही सेम प्रोसेस में बना लूँगी। बना के आपको दिखाती हूँ। सारे कोफ्ते को मैंने सेम प्रोसेस में फ्राई कर लिया है और पैन में थोड़ा और ऑयल ऐड कर दिया है जितना ऑयल बाकी था। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑनियन का पेस्ट। मैंने यहाँ पे सारा ऑनियन का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसे मैं अच्छे से भून लूँगी करीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। मैं इसे मीडियम फ्लेम में ही भून रही हूँ। अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी ग्रीन चिली, जिंजर और लहसुन का पेस्ट। इस पेस्ट के साथ भी हमें मसालों को अच्छे से भून लेना है। इसे भी मैं 1 से 1.5 मिनट तक भून लूँगी अच्छे से, जब तक हमारे अदरक और लहसुन में से कच्चा फ्लेवर नहीं चला जाता है तब तक मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ टमाटर का पेस्ट। मैंने फ्रेश टमाटर का पेस्ट कर लिया था। इसे भी मैं बाकी मसालों के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी। हमें मसालों को तब तक भून लेना है जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता है। टमाटर डालने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दूँगी। सॉल्ट डालने से टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे और अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो मैं इसलिए यहाँ पे 1 पिंच के अराउंड सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी हमारा रेडी किया हुआ मसालों का पेस्ट। मैं इस पेस्ट को डालने के बाद इसे अच्छे से मिला दूंगी। मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी बीटन किया हुआ दही। दही को भी मसालों के साथ मैं अच्छे से भून लूंगी 1 से 1.5 मिनट तक।
दही को अच्छे से भून लेने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड किया है। मैंने हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है, मुझे सॉल्ट थोड़ा कम लगा था इसलिए मैंने और थोड़ा सॉल्ट ऐड किया है। मैं मसालों को अच्छे से 6 से 7 मिनट तक भून लिया है। आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है और ऑयल भी उबाउट होना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी पानी। आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी ऐड कर सकते हैं, मैंने 1 कप ऐड किया था। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर। पानी डालने के बाद मैंने इस ग्रेवी को अच्छे से बॉयल कर लिया था 3 से 4 मिनट के लिए। गरम मसालों को भी मैं अच्छे से मिला दूँगी। गरम मसाला डालने के बाद हमें इस ग्रेवी को ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, बस 1 मिनट के लिए हमें इसे बॉयल कर लेना है। गरम मसाले को मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी फ्रेश क्रीम। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून लिया था, आप चाहते तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। क्रीम डालने के बाद मैं इसे मिला दूंगी और गैस को बंद कर दूंगी। हमारा ग्रेवी बन के रेडी हो चुका है डिश आउट के लिए। ग्रेवी को और कोफ्ते को अलग अलग रखा है, जब हमें सर्व करना है तब हमें ग्रेवी के ऊपर कोफ्ते को ऐसे सर्व कर लेना है, नहीं तो कोफ्ते हमारे एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे। आप ऐसे ही इसे घर पे बनाइए। जिन लोगों को लौकी पसंद नहीं है उन लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगा। और मुझे कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको ये डिश। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।